नंबर वन, खुजली होने पर फिटकरी के पानी से खुजली की जगह धोकर साफ करें। उस पर कपूर और नारियल के तेल में मिलाकर, कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नंबर टू, पानी में काली मिर्च के पाउडर को मिलाकर घोल तैयार कर लें। इससे अपनी किचन रूम्स और बाथरूम आदि जगहों पर स्प्रे कर दें, इससे छिपकलियां भाग जाती हैं। कि गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, छिपकलियाँ आती रहती हैं। नंबर थ्री, सब्जियों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए भीगे हुए कपड़े में लपेट कर स्टोर रखना चाहिए। नंबर फोर, अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो केले के पेस्ट में शहद मिलाकर खाएं, आपके छाले ठीक होने लगेंगे डेफिनेटली। नंबर फाइव, सिर दर्द होने पर तवे पर लौंग को भून लें। अब भुनी हुई लौंग को सूंघने से सिर का दर्द बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है और बंद हो जाता है। और भुनी हुई लौंग खांसी में भी बहुत फ़ायदा करती है। आप बच्चों को लौंग और काला नमक मिलाकर दे सकते हैं खाने के लिए। नंबर सिक्स, सोने से पहले सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करते हैं ना, तो इससे आंखों की रोशनी तेज़ हो जाती है और दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है। ये प्रोसेस आप बच्चों के भी कर सकते हैं। आप बच्चों के पैरों के की मालिश करा करें, कंटिन्यूस प्रोसेस को करा करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर सेवन, सुबह उठकर दो गिलास गर्म पानी पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और ये खून बढ़ाने के साथ साथ चेहरे पर ग्लो लाता है और पेट भी साफ़ रहता है। कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती है। आप अगर कंटिन्यू आप सुबह में गुनगुना पानी पीते हैं। नंबर एट, मुंह से प्याज या लहसुन की स्मेल आने लगती है तो उसको दूर करने के लिए ग्रीन टी पीना सबसे अच्छा और बेस्ट माना जाता है, तो आपको ग्रीन टी पी लेना चाहिए। आप अवॉइड ना करें कि हम सैलड नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, हमारे मुंह में स्मेल आएगी, आप प्याज खा लें, बाद में आप ग्रीन टी को यूज़ कर लें। नंबर नाइन, प्याज को काटने से पहले कुछ देर उसको छील कर फ्रीज में रख दें। ऐसा करने से प्याज को काटने के दौरान आंसू नहीं आते हैं। आप प्याज को छील कर पानी में भी रख सकते हैं। नंबर टेन, सोने से पहले सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करने से आंखों की रोशनी तो तेज होती ही है, दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है। और आप अपने बच्चों के साथ भी इस प्रोसेस को 15-30 दिन, 1 महीना, 2 महीना कंटिन्यू लगाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को करके। नंबर 11, फर्श को चमकाने के लिए 1 कप सिरके में गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से फ्लोर चमक उठता है और जो कोई दाग धब्बे लग जाते हैं ना फर्श पर, वो भी साफ हो जाते हैं। नंबर 12, मासिक धर्म में पीरियड के दर्द के आराम में, मतलब पीरियड के दर्द के आराम को पाने के लिए ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़कर पीने से बहुत रेस्ट मिलता है। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग ठंडे पानी से उनको आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को गर्म पानी से मिलता है, तो आप गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं। नंबर 13, सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर हल्का गर्म कर लें, फिर इस पेस्ट को दांतों पर लगाएं। एंटीसेप्टिक गुड़ वाली हल्दी आपके दांतों का दर्द दूर करने में बहुत मदद करती है। नंबर 15, कम समय में टेस्टी चावल पकाने के लिए चावल में थोड़ा सा सूखे पुदीने के पत्ते और उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला लें, आपके चावल बहुत टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल बिखरे बिखरे चावल बनेंगे। नंबर 16, चाय की पत्ते की जगह तेज पत्ते की चाय पीने से सर्दी, जुकाम, छींके आना, नाक बहना, जलन व सिर दर्द में बहुत ज़्यादा जल्दी आपको आराम मिलता है। नंबर 17, कपूर की टिकिया रसोई में रख देने से मक्खियां भाग जाती हैं, क्योंकि मक्खियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। नंबर 18,
चीनी के डिब्बे में 3 या 4 लौंग डालने पर चींटियां नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।